मैं तो पहले आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से हैं, आप सच्चाई की ताकत हैं, आपके कलम में वो आवाज़ है जो कि वो बोलती नहीं है लेकिन वो करके दिखाती है। लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे वाराणसी के सांसद, उस कलम को भी तोड़ के फेंक देने का कार्य किए हैं। ये आप अगर देखना चाहते हैं तो वाराणसी जाइए, वाराणसी के जितने भी लोकल चैनल समाचार थे सबको इन्होंने बैन लगा दिया कि ना तो उनका गरिमा वहाँ का दिखाएंगे कि वाराणसी में क्या चल रही है और ना लोग जान पाएंगे। और मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि आज ये शाहीन बाग पूरे भारत में हल्ला मचा हुआ है, आग की तरह फैला हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ये देश में आग मत लगवाइए। आप शाहीन बाग में जाइए और उनसे पूछिए कि माता बहनों से कि जो एनआरसी लागू किए हैं उनको बतलाइए, क्योंकि अभी आप आज से साल भर पहले हमारी मुस्लिम बहनाई को आपने गिफ्ट दिया था कि मुस्लिम बहना मैं तुमको ये 3 तलाक हटा के दूंगा, तुम खुश रहोगी, आजाद रहोगी, जीने की लाय भारत देश में आजाद रहोगी। आज वही मुस्लिम महिलाएं शाहीन बाग में धरने पे बैठी हैं। तो आप आज वो आपकी बहन नहीं है जो आप वहां पे जाने से कतरा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप शाहीन बाग क्यों नहीं जा रहे हैं? आप शाहीन बाग जाइए उन मुस्लिम बहना से या और जो भी अन्य जात के हैं जैसे ईसाई धर्म के हैं, सिख है, उनसे बतलाइए, दलित लोगों से, कि ये जो एनसीपी एनसीआर लागू किए हैं ये घुसपैठियों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये आग आग अपने देश में मत लगवाइए, आप उनके पास जाइए। और दूसरी बात, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप देश का विकास करिए, ये सबको मत बतलाइए कि हमारा देश किस जगह पे पहुंच रहा है। आप मेरी विकास करिए, हमारे देशवासियों का विकास करिए, ना कि आप सबको उलझाए रखिए। देश में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, अब जो है जो झुग्गी झुग्गी है वहाँ पर 100 करोड़ की बजट से दीवारें खराब किया जा रहा है ताकि जो झुग्गी झुग्गी बस्ती है वो दिखे ना। क्या लग रहा है, किस मॉडल की बात कर रहे हैं जो आज ढका जा? मैं तो पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इनको शुरू में जब ये 2014 के लोकसभा लड़े थे, स्वच्छ भारत सुंदर भारत इन्होंने नारा दिया था। इन्होंने जानते हैं हमारे वाराणसी में स्वच्छता के नाम पे जाकर झाड़ू लगाने का काम किया, गंगा घाट पे बालू हटाने का काम किया। पूरे विश्व में इन्होंने बतला दिया कि भारत देश गंदा है, यहाँ के अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के बालू बीट एक्टर अमिताभ बच्चन, सारे लोग देश में झाड़ू लगा रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ तो वो खत्म किया जो बाहरी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, उनको ये लगे कि हमारे भारत देश गंदा है, यहाँ पे मत जाओ, अपने घर की गंदगी आप ही नहीं बताते हैं। लेकिन इन्होंने पूरे विश्व में बताया कि भारत देश गंदा है। तो मैं पहले आपसे बताना चाहता हूँ, ये स्वच्छता अभियान के नाम पे पूरे विश्व में भ्रम मत फैलाइए। क्या लग रहा है कि संविधान खतरे में है? क्या संविधान पूरी तरह खतरे में है? ये जो भी काम कर रहे हैं अपने मनमानी कर रहे हैं। आपने 370 हटवाया, हमने बहुत खुशी हुई कि हमारा जम्मू कश्मीर हमें मिल गया। आप 3 तलाक हटाए में बहुत खुश हुई, एक अच्छा आपने तामिल दिया। फिर आपने ये GST नोटबंदी मतलब देते गए परेशानी पे परेशानी, कभी आधार कार्ड के लिए लाइन लगाओ, कभी राशन कार्ड के लिए लाइन लगाओ। आज आपने कल के 145 रुपया गैस सिलेंडर बढ़ाया, पिछली शासन में 5 रुपया गैस सिलेंडर पे बड़ी बड़ी थी, ये स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री अमेठी में धरने पे बैठी थी, आज 145 सौ बढ़ा, तो आप लोग कहाँ पे हैं? ये किसके ऊपर बोझा जा रहा है? तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था कि काम बोलता है, उसी आधार पे काम दिल्ली में बोला और आज केजरीवाल जी यहाँ के हीरो बन गए। और बहुत जल्द आने वाला दिन 2022 उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी पूर्व बहुमत से आएगी और ये जो इतना इनका जो नियम लागू गंदा लागू कर रहे हैं इसको ख़त्म किया जाएगा।